नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते त्योथर। रीवा जिले के जनपद पंचायत त्योथर के जनपद शिक्षा केंद्र हमेशा सवालों के घेरे में रहा है, जो प्रभारियों के सोने के अंडे देने जैसे है। जो भी प्रभारी पद भार ग्रहण करते हैं, उन्हें केवल अपने जेब भरने से मतलब रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूरे जनपद शिक्षा केंद्र का अमूमन यही हाल है। काफी लंबे भूभाग पर फैला त्योथर की भौगोलिक स्थिति के अनुसार काफी बड़ा क्षेत्र है। जनपद मुख्यालय से जिले की दूरी भी लगभग 80 किलोमीटर से दूर है, जहां से जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों का दौरा भी कभी नहीं हो पाता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर गिरावट दर्ज होती रही है। केवल कागजों में जांच हो जाती है। वास्तविकता यह है कि अधिकतर विद्यालय बंद ही रहते हैं। जो खुलते भी हैं, 12 बजे खुलते हैं, 2 बजे तक बंद ही हो जाते हैं। मध्यान्ह भोजन के नाम पर समूहों से साठ गांठ करके बच्चों के निवाले को जमकर लूटा जा रहा है। विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन ही नहीं बनता, जब कहीं बनता भी है तो हफ्तों चूल्हे ही नहीं जलते हैं। कुछ समूहों द्वारा दिलेरी भी दिखाई जाती है तो वहाँ बच्चों को केवल सब्जी चावल ही परोसा जाता है, जो पौष्टिकता से कोसों दूर ही होता है। मीनू के चार्ट तो लगभग विद्यालयों में लिखे हुए हैं, लेकिन पालन कहीं नहीं हो पा रहा है। सिर्फ शिक्षा के नाम पर सरकार करोड़ों रुपए प्रति वर्ष खर्च कर रही है, लेकिन वास्तव में सरकारी धन प्रभारी के जेब तक सीमित रह जाता है और नीचे से ऊपर तक बंदरवाट हो जाता है। पूरे जनपद शिक्षा केंद्र को वैसे तो 5 जोन सकुल केंद्र में विभक्त किया गया। कोराव, रायपुर, चाकघाट, त्योथर और गढ़ी में सकुल प्रभारियों की नियुक्ति भी की गई है, लेकिन कोई शैक्षणिक सुधार होता दिखाई नहीं पड़ रहा। आखिरकार बेसिक शिक्षा के साथ खिलवाड़ कब बंद होगा, जिसकी जाँच आवश्यक है। बेसिक शिक्षा शिक्षा की रीढ़ मानी जाती है। जब बेसिक शिक्षा कमजोर होगी तो निश्चित रूप से माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्रभावित होगे। शिक्षक समय पर स्कूल जाएंगे या इसी तरह से चलता रहेगा। जनपद शिक्षा केंद्र त्योथर की जांच आवश्यक है।